वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी सोनी। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं यहाँ बिल्कुल अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, आप सब लोग जानते ही हैं। तो अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में एक टॉपिक के साथ में आई हूँ। टॉपिक भी कह सकते हो इसको, एक कमेंट भी कह सकते हो। और कई लोग महिलाओं ने मुझसे ये कमेंट करके पूछा भी है कि उन्होंने भरण पोषण CRPC की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस जो है भरण पोषण का अधिकार, उसके तहत मुकदमा दर्ज किया हुआ था फैमिली कोर्ट में, जिसके दौरान उनके पतियों के द्वारा ये कहना हुआ कि उनको उनके पिता या माता या पेरेंट्स कह सकते हैं, उनके पेरेंट्स ने उनको अपनी प्रॉपर्टी में से बेदखल कर दिया है, तो क्या वो मेंटेनेंस नहीं मिल सकता उनको? तो मैं उनको बिल्कुल बता देती हूँ कि चाहे उन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है, लेकिन वो मेंटेनेंस का अधिकार तो उनका है और वो उन्हें मिलेगा। उन्हें उनसे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है क्या उन्होंने प्रॉपर्टी से बेदखल किया, क्योंकि उनकी डिमांड सिर्फ अपने भरण पोषण की है, ना कि उनकी प्रॉपर्टी के हिस्से की। तो यहाँ पर मैं उन महिलाओं को थोड़ा सा सजेस्ट कर देती हूँ कि जो महिलाएं ये सोचती हैं कि उनको उनके पति के द्वारा उनसे जो बताया गया है कि प्रॉपर्टी से उनके पेरेंट्स ने उनको बेदखल कर दिया है, तो बिल्कुल आप घबराएं नहीं, आपको आपके मेंटेनेंस का पूरा अधिकार है। और वैसे भी आप वो मेंटेनेंस आप उनके पेरेंट्स से नहीं मांग रहे, आप वो मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से मांग रहे हैं, और वो हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो किस तरीके से कहाँ से कैसे मैनेज करता है। तो आपका भरण पोषण तो आपको मिलेगा ही, चाहे वो एक बार में ना दें, हो सकता है दूसरी बार में दें, दूसरी बार में ना दें, वो तीसरी बार में तो उनको देना ही पड़ेगा। तो ये सुनिश्चित कर लें बिल्कुल कि मेंटेनेंस तो आपका मिलेगा ही, ऐसा नहीं है कि वो इस तरीके के किसी दस्तावेज का यहाँ फ़ायदा उठा करके और आपका मेंटेनेंस रोक दें या दें ही नहीं। तो आई होप कि मेरी वीडियो के माध्यम से आप सभी महिलाओं को समझ में आ गया होगा, जिसने भी मेरे से ये क्वेश्चन पुट अप किया था कि इस तरीके से दखल बेदखल होने पर कि मेंटेनेंस का जो भी सिस्टम है। तो आई होप कि मैं आपके क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दे पाई होगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा जवाब आसानी से समझ में भी आ गया होगा। आगे भी आप सबके लिए इस तरीके की वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू।